दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा जो इंडिया में और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर परसों से बंद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, परसों से ये बंद हो सकते हैं। क्यों बंद हो सकते हैं, क्या सही में बंद होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ न्यूज आप लोगों के लिए आ रही है, वो आज के इस स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन यार उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग भी हमें फेसबुक पर या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो है यहां पर 27 मई 2021 से फेसबुक, ट्विटर या और भी जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं या जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया में बंद हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों होने जा रहा है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 25 फरवरी को इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी, जिसे जो है सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो है बनाया गया था और उन्हें 3 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें इंडिया के अंदर अपने जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर नियुक्त करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कंप्लायंस ऑफिसर हैं वो यहाँ पर नियुक्त करने होंगे। लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने, 3 महीने जो है कल यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक किसी भी कंपनी ने यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ इनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी नोडल ऑफिसर या किसी भी तरह का कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। तो ये सबसे जरूरी यहाँ पर था और 3 महीने का इसके लिए टाइम दिया गया था जो कि कल यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो किस तरह का डिसीजन लेती है, क्या इन कंपनियों को जो है परसों से बैन किया जाएगा, वो तो आने वाले टाइम ही बताएगा। लेकिन यहां पर कुछ कंपनियों ने डिमांड किया है कि अभी उन्हें कुछ और टाइम चाहिए। जी हां दोस्तों, अभी उन्हें कुछ और टाइम चाहिए ताकि वो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। और जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या केंद्र सरकार है उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो भी कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे या जो भी नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे उनकी जो जानकारी है, उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल सारी की सारी आपको वेबसाइट पर भी देनी होगी। साथ में अगर आपका कोई ऐप है तो उस ऐप में भी उन ऑफिसर्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर देनी होगी। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आजकल जो है फेक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा चलती है या कुछ ऐसा आप लिखते हैं कि जो कि गलत है, तो उन सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी किसी भी कंपनी का आपके ऊपर हो, जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करे, जो आपकी जिम्मेदारी ले कि हमारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन कॉन्टेंट में किसी भी तरह का कोई भी जो है फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है या किसी भी तरह की जो यहाँ पर हिंसात्मक चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई जा रही, किसी तरह को किसी भी चीज को यहां पर बढ़ावा, जो गलत चीजें उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए यहां पर किया जा रहा है। तो देखते हैं कि यहां पर परसों से क्या जो है ये कंपनियां बंद होती हैं नहीं होती है। अगर ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है तो डेफिनेटली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहां पर कुछ ना कुछ जरूर से डिसीजन लेगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो ऐप्स थे, जैसे सबसे जो मेन ऐप था टिकटॉक या पबजी है, वो भी इंडिया में बैन किया गया था। तो अगर ये इंडियन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो शायद परसों से ये ऐप्स जो है इंडिया में बंद हो सकती हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।